आखिरी सियासी रुकावट बनाने की कोशिश की गई और यहाँ तक ऐलान कर दिए गए कि शेख कासिम बेवकूफ बना रहा है। इसको खुद से इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दूँ और उसके बाद हम लोग मस्जिदों में जाएंगे और वहाँ पर कई लोगों का फोन आया कि इस्तकबाल करना है, लेकिन मैं आप लोगों को ना नहीं बोल सका। लेकिन पहली मस्जिद जो मैं हमारे मस्जिद के तमाम मुसलियान के जानिब से, जिम्मेदारों की जानिब से जनाब आसिफ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत एहसान है कि अल्लाह ताला ने मुझे नाचीज से अल्लाह ताला ने इतना बड़ा काम किया है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और आप लोगों का भी मैं पैसा का टेंडर कॉल होगा PWD डिपार्टमेंट से, टेंडर ठेकेदार उसको भरेगा, ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी डायरेक्ट मस्जिद का अंदर फिट करने के लिए। इसलिए कि हमारे नबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात इरशाद फरमाई, आदमी के दुनिया से चले जाने के बाद में जो नेकी उसके काम आती है उसमें वलदुल साले, नेक औलाद जितने नेक काम करती है। ये पैसा जो आया है ये डायरेक्ट मंजूरी आई है नाम से, ये पैसा कलेक्टर के अकाउंट में जाएगा। मस्जिद खलीफा उबल के जिम्मेदारान ट्रस्टियान तमामी मुसलिम और इस इलाके के तमामी नौजवान सभी को जरूर अदा, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह तबारक ताला ने मुझसे मालेगांव शहर के 110 मदरसा और मसाजिद के अल्लाह ताला ने सोलर पैनल का काम उससे लिया, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। और बाद में मैं अजीत दादा पवार साहब को भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उस शख्स ने महाराष्ट्र का तारीखी फैसला उन्होंने लिया, मैं महाराष्ट्र का तारीखी फैसला लिया, हुकूमत महाराष्ट्र के CR में या कानून में राम जवान कानून को कानून में ऐसा कोई भी जिक्र पैनल का यानी सोलर पैनल का नहीं था। कानून में अजीत दादा पवार साहब ने तरमीम करवाया, अमेंडमेंट करवाया और उसके अंदर सोलर पैनल का आइटम उन्होंने DR के अंदर करवाया और उसको कानून की शक्ल दी गई। अजीत दादा पवार साहब ने तरमीम करवाया, अमेंडमेंट करवाया और उसके अंदर सोलर पैनल का आइटम उन्होंने DR के अंदर करवाया और उसको कानून की शक्ल दी गई और उसका बेस बनाकर अजीत दादा पवार साहब ने अपने डिपार्टमेंट हुकूमत का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का पैसा नहीं है, ये कोई नगर विकास शहरी तरक्यात का वजारत का पैसा नहीं है, ये अजीत दादा पवार साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने अपने डिपार्टमेंट से 5 करोड़ रुपया स्पेशल फंड सिर्फ और सिर्फ मालेगांव शहर के लिए उन्होंने मंजूर किया और मदरसा व मस्जिद के लिए मंजूर किया, क्योंकि मस्जिद के नाम पर डायरेक्ट मंजूर नहीं हो सकता है क्योंकि फिर दूसरे कौम के लोग भी अपने अपने मजहबी मुकाम का भी डिमांड कर सकते हैं, इसके लिए उन्होंने मदरसा व मसाजिद इस तरीके का जमीन का इस्तेमाल हुआ। अल्लाह का करम है कि कल ये मंजूरी जुमा के दिन शाम 7 बजे मेरे हाथ में DR की कॉपी आई और इस कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर उसको डिक्लेयर किया और ऐलान किया और ये बहुत बड़ा तारीखी फैसला है। जब ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया, जब ये शहर के आवाम को मालूम हुआ, YouTube के जरिए पूरी महाराष्ट्र की आवाम को पता चला, तो यहाँ तक कि हिंगोली डिस्ट्रिक्ट से भी मुझको रब्ता किया गया, मुझसे जलगांव डिस्ट्रिक्ट से भी मुझसे रब्ता किया गया, परभनी डिस्ट्रिक्ट से भी मुझसे रब्ता किया गया, नासिक डिस्ट्रिक्ट से भी कई शहर से हम लोगों को रब्ता किया गया। इस तरीके से पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये बात को जब पता चली कि मालेगांव शहर के अंदर 110 मदरसा और मसाजिद को पैनल सोलर पैनल तो मंजूरी हुकूमत महाराष्ट्र ने दी और उसको शेख आसिफ ने मंजूरी करवा के लाया, तो सब लोगों ने मुझसे रब्ता करना शुरू किया। मैंने उनसे कहा कि हमारी प्रोसीजर को कंप्लीट हो जानी है और उसके बाद जो भी पेपर्स वगैरह केसेस को मंजूरी लाई जाती है मैं आप लोगों को मुकम्मल रहनुमाई करूँगा।
सवाल ये है कि जब मैंने अखबारात के अंदर खबर दिया और ऐलान किया कि भाई मैं सोलर पैनल फिट करना चाहता हूँ मसाजिद के, ताकि जो बिजली का बिल आता है महीने का 25,000 50,000 10,000 30,000 आता है, किसी का 40,000 आता है, तो ये पैनल सिस्टम लग जाने से सोलर का बिल नहीं आएगा, यानी हमारा पावर कनेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, सिर्फ और सोलर से हमारा पूरा मस्जिद के अंदर पंखा है, लाइट है, एसी है, बिजली का इस्तेमाल होगा। तो इस तरीके से पैसे की बचत होने वाली है, पैसा बचेगा, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 पैसा बचेगा, और वो पैसे का इस्तेमाल मस्जिद के जिम्मेदारान ट्रस्टिया और दिगरी कामों के अंदर वो ले सकते हैं, यहाँ तक भी ले सकते हैं कि इमाम साहब मौजूद साहब की तनख्वाह भी उतरा सकते हैं, ये पैसे की बचत होने वाली है। वही तारीख की फैसला हुआ। बहरहाल आज सुबह से तकरीबन एक अंदाज में बता रहा हूँ, 40 फोन कम से कम हमारे जिम्मेदारान पर मुझको आए और उन्होंने कहा कि हम लोगों का भी मंजूर कराइए, हम लोगों का भी मंजूर कराइए। वजह तो एक जगह एक हमारे गरीबी साथी का फ़ोन था, मैंने कहा सो रहे थे जब मैंने ऐलान किया तो क्यों नहीं आए, तो फिर वो बोलने लगे अरे नहीं अभी जाने का हमारा कर दो। बहरहाल असल में हमारे शहर के अंदर सियासत और सियासी रुकावट बनाने की कोशिश की गई और यहाँ तक ऐलान कर दिया गया कि शेख आसी बेवकूफ़ बना रहा है, सियासत कर रहा है, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मुझको काम से जवाब देना था और मैंने काम से जवाब दिया। बहरहाल अगर वो जुमला का इस्तेमाल नहीं होता, मुखालफत नहीं की जाती, तो मैं समझता हूँ कि शहर की और कम से कम 100-200 मसाजिद को इसी ऑर्डर के अंदर इसी मंजूरी के अंदर आ सकती है। लेकिन बहरहाल मैं सब तमाम ही लोग पे जो आज फ़ोन आ रहे हैं उन लोगों से कहा कि ठीक आप अभी तक रब्ता किए हैं, आप मेरे पास नाम मोबाइल नंबर और बिल का जीरोक्स बिजली बिल का जीरोक्स सब जमा करवा दीजिए, मैं मुंबई जाऊंगा इस हफ्ते, जब मैं दाखिल कर दूंगा, मेरी अपनी कोशिश होगी कि इलेक्शन से पहले पहले आचार संहिता लगने से पहले पहले और कुछ मंजूरी मिल जाए तो बेहतर होगा, और नहीं तो फिर इलेक्शन के बाद, लेकिन इंशाल्लाह ये काम को हम लोग आगे तक बढ़ाते रहेंगे ताकि हम लोग शहर के तमाम ही मदरसा और मस्जिद के ऊपर सोलर पैनल फिट हो जाए, ताकि बहुत बड़ा रुपया पैसा हमारी बचत हो सकती है। और इसके अंदर खास बात यह है, मैं भी मुसलमान हूँ, ईमान वाला हूँ, मुझे भी अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास है और मैं भी जिम्मेदार हूँ, कोई गलत कानून मैं शहर पे लादना नहीं चाहता, मैं तुम साफ अल्फाज में बोलना चाहता हूँ। एक ये पैसा जो आया है ये डायरेक्ट मंजूरी आई है नाम से, ये पैसा कलेक्टर के अकाउंट में जाएगा, ये पैसा का टेंडर कॉल होगा PWD डिपार्टमेंट से, टेंडर ठेकेदार उसको भरेगा, ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी डायरेक्ट मस्जिद का अगर वो फिट करके चले जाते हैं, हमारा उससे कोई रब्ता नहीं रहेगा, सिर्फ हमारे मस्जिद पर लगेगा वो सोलर, पहले डायरेक्ट हम लोग काम करें उसके अंदर मस्जिद के कोई डॉक्यूमेंट वगैरह से भी लगेगा कि भाई लाइट बिल जो है वो दे दो या अगर पट्टी दे दो उनका कोई भी जीरोक्स कॉपी एड्रेस प्रूफ के लिए, तो ये लगेगा, बाकी का कोई चीज़ें इसके अंदर लगने वाली नहीं है। हाँ मैं एक बात है कि जहाँ पर अगर सोलार लगता है तो वहाँ पर गवर्नमेंट की स्कीम ये भी कि उसको सब्सिडी मिलती है, सब्सिडी कि तुमने सोलार लगाया, बिजली की बचत हो रही, आपने बहुत अच्छा कदम उठाया, बहुत अच्छा काम किया, तो आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से 30% सब्सिडी मिलेगी, यानी अगर 10,000 बिल आता तो 3,000 रुपये अपने अकाउंट में आएगा, गवर्नमेंट सब्सिडी देने वाली है। लेकिन सब्सिडी का जो मामला है, मस्जिद इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग शरीयत के मुताबिक या नहीं कर सकते, ये बहस अलग है, लेकिन मैंने कहा कि सारी चीज़ें पहले हम लोग सोलार होना वो बाद में हम सब सोचेंगे, हमारे को और बेनिफिट मिल सकता है उसके लिए, तो उसके ऊपर जो भी मामला हम लोग शरीय मामला जो है वो हम लोग उसके ऊपर बातचीत करके आगे फैसला लेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा काम हुआ है और इसी तरीके से समाज का काम होना चाहिए। इसके अंदर अब फ़ायदा किसका है, इसका फायदा हुआ जो लोग अपनी जेब से चंदा देते हैं बिल के लिए जमा होता है, फिर इमाम साहब का फायदा होगा, मौसी साहब का फायदा होगा, ट्रस्टियार की बोझ कम होगा, वो मस्जिद का नज्म को चलाने में नज्मों के अंदर आसानियाँ होगी, है ना, ये तमाम चीज़ें एक या जो पैसा चंदा आता था वो चंदे के पैसे से तो हम लोग दूसरे काम कर सकते हैं, तामीरी काम कर सकते हैं,
अच्छे से अच्छा मस्जिद को और खूबसूरत कर सकते हैं, तो ये वजू खाना बना सकते हैं, डिफरेंट कलर कर सकते हैं, पॉलिंग ला सकते हैं और अच्छे काम कर सकते हैं, फैन वगैरह लगा सकते हैं, एसी लगा सकते हैं, पैसे की बचत होगी ना। अगर 25,000 का भी तुम्हें कवरेज दो, अगर तुम 12 महीने का कवरेज दे दो, कितना हो गया 3 लाख। अल्लाह का बहुत एहसान है कि अल्लाह तआला ने मुझे चीज से अल्लाह तआला ने इतना बड़ा काम दिया है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और आप लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मालेगांव शहर के अंदर मैंने फैसला किया था कि मैं अभी इसको खुद से इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दूँ और उसके बाद हम लोग मस्जिदों में जाएंगे और वहाँ पर कई लोगों का फोन आया कि इस्तकबाल करना है, लेकिन मैं आप लोगों को ना नहीं बोल सका। ये पहली मस्जिद है जो मैं इस्तकबाल है, तो बहरहाल आप लोगों ने मेरा इस्तकबाल किया, मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि ये एक काम था, ये मेरी अपनी जिम्मेदारी थी, मैंने उसको अदा किया और भी मजीद अगर आप लोग की जिम्मेदारियाँ शहर की देंगे तो इंशाल्लाह उसको भी अदा करने की पूरी कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुशी की बात यह है और बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात यह है कि हमारे अली जनाब आसिफ शेख रफी साहब से अल्लाह ताला ने जो काम लिया है ये हमारे लिए तो खुशी का जरिया है ही। इसके साथ साथ जो है आसिफ साहब के वालिद मोहतरम के लिए बड़ा ही सदका जारिया है, इसलिए कि हमारे नबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात अर्शाद फरमाई, आदमी के दुनिया से चले जाने के बाद में जो नेकी उसके काम आती है उसने वलदुल साले नेक औलाद जितने ने काम करती है वो सब सिला वालिद को मिलता है, वालिद को देता है। अल्लाह के घर का इतना बड़ा काम अल्लाह तआला ने इसे लिया है, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है। अभी हम लोगों के लिए ज़रूरी है कि हम लोग कोई भी काम करें तो उसको समझ के करें और इतना बड़ा काम अल्लाह के घर के लिए कोई मामूली काम नहीं है। कुरान शरीफ ने बात इरशाद फरमाई वल मसाजिद लिल्लाह मस्जिद अल्लाह की है और जो अल्लाह के घर से मोहब्बत रखती है अल्लाह उससे मोहब्बत रखती है, ये हमारे नबी की बात है। अलीफल मस्जिद अलीफा उल्ला जो मस्जिद से मोहब्बत करता है अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करते हैं। हम लोग हमारे मस्जिद के तमाम मुसलमान के जानिब से जिम्मेदारों की जानिब से जनाब आसिफ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और हम लोग अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक ताला इनकी नजर में से हिफाजत फरमाए और आने वाले दिनों में इनको बेहतरीन कामयाबी से अल्लाह ताला तक अच्छे फरमाए। अब हम सब की जानिब से जो है इस शाम का नजराना और पुलाद किया जाता है आपके साथ के हाथों से।